हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज आ गए उज्जैन में। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया था, तो अब उज्जैन में जैसे एंटर होते हो तो वहाँ से मंदिर की दूरी 3.5 से 4 किलोमीटर जैसी रहेगी। और अभी कुछ बजे शाम के 4, और हम सोच रहे हैं कि हम पहले जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर, क्योंकि उज्जैन आते हैं तो पहले महाकालेश्वर का दर्शन करना जरूरी है, और उसके बाद हम रामघाट और हरसिद्ध माता की शाम की आरती लेने को जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो तो अच्छा है, अच्छे से दर्शन हो जाए। तो बोलो हर हर महादेव। तो गाइज, आप देख सकते हो हमने कार पार्किंग यहाँ कर दी है, क्योंकि जो हमने आपको जो रोड दिखाया था मेन, वहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ जाना है, तो ये सीधा रोड महाकालेश्वर मंदिर में ही जाता है। ये लगता है कि पीछे से जाता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट है। यहाँ से सीधा महाकालेश्वर मंदिर में आप जा सकते हो। तो यहाँ से कुछ मंदिर की दूरी 200 से 300 किलोमीटर जितनी है। यहाँ बहुत ही धर्मशाला और छोटी मोटी होटलें हैं, तो आप आते हो तो यहाँ भी रह सकते हो मंदिर के नज़दीक। तो ये हम सीधे चलते चलते ओमकारेश्वर मंदिर के पार्किंग में आ चुके हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हो, लेकिन हम तो गाड़ी बाहर रख के आए थे, आपको मैंने दिखाया था वहाँ। तो यहाँ देखते हैं पार्किंग कितना बड़ा है और क्या चार्ज लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक लग गया है, हम देखते हैं। और यही सामने मेरा रास्ता देख रहे हो, वहाँ से सीधा मंदिर जा सकते हैं, हम वहाँ ही जाना है। ये देखो गाइस, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर दोनों का पार्किंग है। और यहाँ कुछ 4-व्हीलर कार का 20 रुपये लेते हैं यहाँ, तो आपको 2 से 3 घंटे में वापस आ जाना है। तो चलो हम अब चलते हैं महादेव के मंदिर में, यहाँ से हमको जाना है। अब देख सकते हो यहाँ दोनों साइड कितने स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ आप कुछ भी खरीदी कर सकते हो। ये भी रास्ता तो सही है, जो आप आते हो और आगे से बहुत ही भीड़ होती है तो आप यही पीछे वाला जो रास्ता है वहाँ से आपको शॉर्टकट पड़ेगा, तो यहाँ से आप जा सकते हो। ये देख सकते हो मार्केट यहाँ का, और हमारी पूरी फैमिली आगे चल रही है। तो यहाँ से कुछ मंदिर का चौगन चालू हो गया है, आपको यहाँ से मैं मंदिर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मंदिर उज्जैन में आने के बाद यहाँ एकदम शांति का अनुभव होता है। तो गाइज, ये बहुत ही धार्मिक स्थल है उज्जैन, यहाँ छोटे मोटे बहुत ही मंदिर है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में आपको 3 तरीके से दर्शन हो सकते हैं। एक है बिना टिकट वाला, जो हम जा रहे हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद 250 रुपये में VIP टिकट है, लेकिन आपको सीधा मंदिर में जाने को मिलेगा, लेकिन गर्भगृह में जाने को नहीं मिलेगा। अगर आपको गर्भगृह में जाके दर्शन करना है तो यहाँ कुछ 750 रुपये लगते हैं। वो 3 टिकट है, एक है 750 वाली, एक 250 वाली, और एक है हम जा रहे हैं मुफ्त में। तो चलो, आज तो कोई भीड़ लग नहीं रही है, तो सोच रहा हूँ कि अच्छे से दर्शन हो जाएगा। तो आपको मैं आज महाकालेश्वर मंदिर का जो शिवलिंग है वहाँ तक दर्शन कराऊँगा। तो यहाँ से आप एग्जिट गेट देख सकते होगे, जो आपके सामने ये दिखाई देता है गड्ढे के पीछे, वो एग्जिट गेट है मंदिर का। दर्शन करके आप बाहर निकलते हो तो वहाँ से निकलोगे। तो हमको अभी आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो सब लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड देखते होगे कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ है, आपको दिखाई नहीं देती होगी अब।
तो ये आपके सामने दिखाई देता होगा, बैरिकेड सारे लगा हुआ है लाइन में। तो हमको वहाँ से मंदिर का अंदर एंट्री है, तो आगे जाके हम वो बैरिकेड के अंदर लाइन में जाएंगे। ये साइड में आपको दिखाई देता होगा, ये पूरी लाइन जाती है ये। तो चलो गाइस, यहाँ से भी हम डायरेक्ट मतलब हम तो नहीं जा सकते, लेकिन ये भी मंदिर का ही गेट है। यहाँ सामने सब जूते निकाल रहे हैं, तो यहाँ निकाल के हमको जाना है मंदिर में। यहाँ का एक झलक दिखा देता हूँ। सब लोग यहाँ देख रहे हो आप आगे से आ रहे हैं, पर हम आए यहाँ पीछे से। उस तरफ ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी दिखाई देती होगी आपको ये साइड में। तो वहाँ जाओ, वहाँ से आओगे तो ये सारी मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी। चलो हम फिर अंदर लाइन में आ चुके हैं। पता नहीं अंदर मोबाइल अलाउड है कि नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट तो अंदर जाने ही देते हैं मोबाइल लेके। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर वो यहाँ रखवा देते। और ये आपको मैं बता दूँ कि यहाँ आप थैला लेके आए हो या मोबाइल लेके आए हो तो यहाँ लॉकर भी है एकदम फ्री में, तो आप यहाँ रख के जा सकते हो। हम अंदर आ चुके हैं गाइस, यहाँ आप देख सकते होगे आज कोई भीड़ नहीं है, बहुत ही खाली है। आप देखते होगे पूरा खाली है मंदिर। तो आज अच्छे से दर्शन हो जाएगा हमारा और आपका भी, आपको मैं दिखाता रहूँगा। बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं, लेकिन अच्छा वक्त है कि हमारा ये पूरा हॉल खाली है, तो हमको सिर्फ चल के जाना ही है। यहाँ से गाइज हम मंदिर के नज़दीक आ गए हैं, अब सिर्फ लेफ्ट साइड जाना है और उसके बाद सीधा मंदिर में। और यहाँ से आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको सामने, अब ज़्यादा दूर नहीं है गाइज। तो अभी भी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ नया हो रहा है यहाँ, तुम देखते होगे कि 2-3 साल के बाद आओगे तो कुछ नया ही हो जाएगा यहाँ। तो चलो आज तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर, पूरा वीडियो मेरी देखना। तो अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस, यहाँ आप देखते होगे यहाँ बहुत सारा पत्थर का काम चल रहा है। और यहाँ से आपको मंदिर दिखाई देता होगा महाकालेश्वर का, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भी गाइस मंदिर आगे से देख सकते हो, यहाँ से क्लीन दिखाई देता होगा। और यहाँ से पूरा चौक आपको दिखाता हूँ, फिर मंदिर के बाद दर्शन करने के बाद वहाँ हम जाएंगे। तो चलो हम अब मंदिर में लेके जाता हूँ। यहाँ से आपको दिखाई देता होगा हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी भीड़ है, लेकिन इतनी भी नहीं है, यहाँ से ही दर्शन करने हैं हमको। आप स्क्रीन में देख सकते हो जो शिवलिंग, जो आप VIP में लेके आते हो तो आपको जो आगे वाला व्हील है उसमें आपको सीधा डायरेक्ट दर्शन जाने को मिलेगा आगे वाले में। और हम जो फ्री में आते हैं तो उसको ये पीछे वाले में रेल में रहना है। और जो आप 750 की टिकट लेके आते हो तो सीधा गर्भगृह में जाना है। चलो मैं कुछ भी करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ देख सकते हो बड़ा हॉल है ये। स्क्रीन में आपको महादेव जी दिखाई देते होंगे, शिवलिंग। और यहाँ से गाइज आप सीधे शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो, आपको दिखाई देता होगा। चलो फिर हम बाहर निकलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। तो गाइज हम बाहर आ गए हैं मंदिर के,
लेकिन हमारा दर्शन एकदम अच्छा रहा, क्योंकि बहुत इतनी भी भीड़ नहीं थी गाइस, तो दर्शन एकदम अच्छे से हो गया है। और आपको मैंने शिवलिंग का दर्शन आपको भी करवा दिया है। जो हमने नीचे दर्शन आपको करवाए वो मेन शिवलिंग था, और उसके ऊपर ये पूरा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ भी एक ऊपर शिवलिंग है, तो आपको मैं वहाँ दर्शन करवाता हूँ। ये पूरा मंदिर है जो कर्कवृत्त रेखा के ऊपर से ही जाता है, और ये एकलौता मंदिर है जिसका शिवलिंग द्विमुखी है, दक्षिण में मुंह है। सारे ज्योतिर्लिंग में यही एक ज्योतिर्लिंग है जिसका मुंह द्विमुखी है। तो चलो गाइस, मैं यहाँ आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ तो भीड़ नहीं है, ये देख सकते हो पूरा पत्थर का बना हुआ है ये मंदिर। चलो गाइस, हम अब साइड में से बाहर निकलते हैं और वहाँ से आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे। यहाँ गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पूरी खुली जगह है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये धार्मिक कथा के अनुसार यहाँ एक दिशा नाम का राक्षस था जिसने यहाँ बहुत आतंक मचा दिया था। तो एक ब्राह्मण ने तपस्या करके शिव जी को पसंद किया और शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे और वो राक्षस का यहाँ वध किया था। तब से यहाँ शिव जी ने स्थान ग्रहण किया है। तब ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में आता है, और उज्जैन को पृथ्वी का एक केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है और उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। और यहाँ से गाइज हम पूरा मंदिर घूम के फिर से वापस आ गए पीछे के भाग में। तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ और छोटे मोटे बहुत सारे पुराने शिवलिंग हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये मेन मंदिर में हम जाएंगे, फिर आपको छोटे मोटे मंदिर बाहर से हम दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, उसीलिए हम अब बाहर की तरफ जाते हैं। तो चलो यहाँ से एक बार बाहर का दर्शन कर लो, अब हम निकलते बाहर की तरफ और ये महादेव के मंदिर में जाते हैं। अब पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है, मुझे लगता है भीड़ होने लगी है। ये सारे मंदिर बहुत ही पुराने हैं, यहाँ से आप शिवलिंग देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और ये सारे आपको छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं जो महादेव जी के ही है। चलो अब हम बाहर की तरफ जाते हैं। और गाइस अब हम जाने वाले हैं बाहर जाके रामघाट और हर्षित माता की आरती लेनी है, और वहाँ जाके घाट पर दर्शन करेंगे। तो हम आपको सारे वीडियो स्टेप वाइज एपिसोड वाइज आपको भेजते रहेंगे, तो आपको घर बैठे देखना है। तो हेलो गाइस, अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।